Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Hey guys, welcome back to my channel, Mr. Randy. मैं हूँ रुपमा बेग और आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही स्पेशल से वीडियो लेकर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद गाइज, आप सबको ईद मुबारक. आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है एंड मतलब अब कितना सपोर्ट करा है वो मुझे मैं ही जानती हूँ. आप लोगों ने मतलब हर एक चीज़ पे मतलब मुझे सपोर्ट करा है. कभी मैं से वीडियो लेट डालती हूँ तो आप लोग उस पर भी कहते हो कोई बात नहीं मिस्टर एंड इट्स ओके वी अंडरस्टैंड. तो ये होने वाला है ईद का व्लॉग, तो इसमें ईद की प्रेप एंड ईद का छोटा सा व्लॉग भी होने वाला है. सो आज है 2 May 2022. सो अभी बज रहे हैं रात के 10:50. सो अभी मैंने सिर्फ अभी तक मेरा एक ही काम हुआ है, मैंने अपने हेयर वॉश किया है. वैसे मैंने परसों कर लिया था लेकिन यू नो गर्मी कितनी पड़ रही है तो वो ना फिर वो वैसे ही गंदे तरीके से हो गए. तो मैंने ना दोबारा आज कंडीशनर से उनको कराया रात में ही. मैंने आप लोग सोच रहे हो चश्मा लग गया है क्या, नई चश्मा नहीं लगा है, एकदम ऐसी सस्ता मंदा सा चश्मा लेके आई हूँ मैं जिससे कि मैं अपनी वीडियोज़ में स्मार्ट दिख सकूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं दिख रही हूँ लॉल. और क्या कहते हैं अब फिर मुझे मेरे को कल ड्रेस पहनी. गाइज मेरी ईद की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आप लोगों को कल ही देखने को मिलेगी. लेकिन मैं ना शाम को मैं हर ईद पे अपनी दादी और बड़े पापा के घर पे जाती हूँ, वहाँ पे हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ. बट जो पूरा दिन होता है मैं यहाँ पे शाम को जाती हूँ अपने बड़े पापा के घर पे, लेकिन जो पूरा दिन होता है वो हम लोग घर में निकालते हैं क्योंकि और गेस्ट भी आते हैं मेरे घर पे. सो फिर हम लोग शाम को वहाँ पे जाते हैं बड़े पापा के घर ईद सेलिब्रेट करने के लिए. फिर हम लोग रात को आते 10-11 बजे तक वापस. सो जो पूरे दिन को मैं जो घर में पहनूंगी वो ड्रेस मेरी अलग है एंड जो मेरे अपने बड़े पापा के घर पे जाऊंगी ईद की मेन ड्रेस वो भी अलग है. सो जो वाली ड्रेस है ईद वाली मेन वो तो मैं कल ही उसको आयरन करूंगी, लेकिन जो मेरे को कल सुबह पहननी है उठकर जल्दी तो वो मैं उसको अभी प्रेस करूंगी. टू लिस्ट बनाते हैं, फर्स्ट हेयर एंड सेकेंड मेहंदी, थर्ड आपको कपड़े प्रेस करने हैं, फोर्थ चीज़ और फेस पैक और लगाना है मुझे. क्या मुझे वो छपरी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, वेट. Wow, I'm looking good now. Yeah. अभी जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है वो इस रात की टू डू लिस्ट है जो कि मुझे 12 AM से पहले कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है 6 बजे के टाइम. एंड मैं क्या बोल रही थी, वीडियो अब आएंगी एकदम टाइम पर क्योंकि मैं हो चुकी हूँ एकदम फ्री. मेरी छुट्टियाँ लग चुकी हैं स्कूल की, बट अभी 1 वीक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बट फिर उसके बाद से मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी. फिर आपको बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, रिक्रिएटिंग माई सब्सक्राइबर्स वाली वीडियोज़ और रिएक्टिंग टू माई सब्सक्राइबर्स हॉरर स्टोरी वो वाली वीडियो भी आएगी. सो या अभी क्या काम अभी करते हैं फिर अब तक बहुत ही गंदी बकवास मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर, कर दी अब क्या बोल रही हूँ मैं. Let's move on to our to-do list. First, I'm gonna put a face mask क्योंकि अगर मैंने एक बार मेहंदी लगा ली हाथ में तो मैं अपने मुंह को अपने इस चेहरे को नहीं छुपाऊंगी. तो पहले मैं फेस मास्क कुछ भी पहले मैं फेस मास्क लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं प्रेस करूंगी क्योंकि मेहंदी सबसे लास्ट में लगाएंगी. टाइम बिल्कुल नहीं बचा और मैं कितनी सारी हरकतें दे रही हूँ इतनी रात में. Let's do our tasks. गाइस मैंने अपना फेस पैक लगा लिया है एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे ओह माय गॉड इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ करती है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें. ये कोई ब्लीच वगैरह कुछ नहीं है, इट्स अ डिटेन स्क्रब और वो वाला स्क्रब नहीं है जिसमें थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को मतलब छोटे बच्चों की स्किन को थोड़ा सा ऐसे हार्श कर देते हैं. बट नो इट्स लाइक एलोवेरा जेल टाइप का होता है जैसे एलोवेरा जेल पर लगाते हैं डिटेन के लिए, क्योंकि अभी मैं रोज़ स्कूल जाती थी ना तो मेरी स्किन बहुत टैन हो गई थी, मेरे हैंड्स वगैरह भी. हैंड्स तो ठीक हो गए हैं पहले से लेकिन फेस थोड़ा सा नहीं हुआ था. सो मैं उसको लगा रही हूँ. मैं अपनी जो ड्रेस है जो मैं कल जो मैं अपनी ड्रेस पहनूंगी जो सुबह वाली ड्रेस है उसको मैं आयरन कर लेती हूँ, बाकी जो शाम वाली ड्रेस है ईद वाली वो मैं कल ही सुबह आयरन करूँगी. पहले अपन इसको आयरन कर लेते हैं. लेट्स डू इट. कर
गर्मी पड़ रही है ना यार, आप लोग देखो मेरा फेस पैक भी ऐसे गीला गीला हो रहा है, अच्छे से वो सूख भी नहीं रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे क्योंकि अभी एकदम सूख चुका है अच्छे से, आई कैन सी। अब ठीक है, धो लेती हूँ मैं तो, सूखा या नहीं सूखा। मैं ना कल रील्स भी डालूंगी बहुत सारी अपने इंस्टा पर, ट्रांजिशन वाली ऐसे बहुत मस्त वाली, इंस्टाग्राम यहाँ पे मैं दे दूंगी और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप लोग देख लेना। अपन फेस वॉश करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड भाई साहब गर्मी तो इतनी कि क्या बताऊँ, अभी तक पसीना आ रहा है मुझे। अब लास्ट थिंग है वो है मेहंदी, फिर होगा अपना नेक्स्ट डे। सो अभी मैं जो मैं ऐसे मेहंदी ना लगाऊंगी ऐसे बैठ के, मैं ये यूट्यूब चलाऊंगी फिर उस पर देख के हुए नहीं मेहंदी नहीं मेहंदी तो मैं ऐसे लगाऊंगी फ़ोन से देखकर, लेकिन यूट्यूब पे हम यूट्यूब वीडियोस देखेंगे फ्री, हमें कभी नहीं बैठना होता है गाइस। मिस टेंडी की तरफ से एक टिप लिख लो अपनी नोटबुक में, कभी भी फ्री ना बैठें, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। यार लेट्स मूव ऑन टू मेहंदी। That's all for today guys, मिलती हूँ आपको tomorrow, सुबह जल्दी उठना है 6 बजे, 12:20 हो चुके हैं, चलो अब सोने चलते हैं, bye bye, मिलती हूँ आपको सुबह। मॉर्निंग डैंडियंस, कैसे हो आप लोग? मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई एंड मैं 7:30 पे उठ गई थी आज, 6 पे उठने का था लेकिन 7:30 पे उठ गई थी और अभी हो रहे हैं 7:45। सॉरी, मैंने ब्रश वगैरह करके आपसे बात कर रही हूँ एंड सबसे पहले आप मेरी मेहंदी देख लो, बहुत ही प्यारी रच गई है, आप लोग पहले मेहंदी देख लो। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी, अच्छी है ना? ऐसे काम करती हूँ भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अभी जो मेरे पास काम है वो है कि मुझे नहाना है, फिर नहाने के बाद मुझे नमाज पढ़नी है, फिर नमाज पढ़ने के बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी और टू डू लिस्ट करेंगे। सो या अभी हम चलते हैं नहाने के लिए, सो या लेट्स गो एंड आज हमें मिलेगी बहुत सारी ईदी मतलब मनी, इसलिए इतने मुझे अच्छा लगता है। सो या लेट्स गो। गाइस सुबह ना के आ चुके हैं, आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं लेकिन बाल वाले भी ऐसे गंदे पड़े हैं, तो उसको इग्नोर कर देना। सो अभी हो रहा है नमाज का टाइम, तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तो नमाज़ पढ़ने से पहले मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आपको मिलती हूँ और फिर अपनी आउटफिट दिखाती हूँ, फटाफट अपना मैं स्किन केयर भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। या पीपल्स, अभी मैं ना कपड़े वपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ और जो मैंने नमाज़ पढ़ी थी ना आपको बताती हूँ, वो मैंने उन कपड़ों में पढ़ी थी जो मेरे ईद के लिए आए थे, मेन जो मैं आपको बता रही थी, जो मेन ईद के लिए ही आए थे, क्योंकि ना नमाज़ जो होती है ईद की वो आपको नए कपड़ों में पढ़नी चाहिए और ईद के दिन ना सब कुछ नया होना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड थिंग है ना। मैंने शीर कुरमा भी खा लिया था मतलब नमाज़ पढ़ने से पहले, क्योंकि भूख लग रही थी, मम्मी ने भी खा लिया था, फिर मैंने मम्मी ने ईद भी मिली, फिर उसके बाद मैंने बोला ईद ही, तो मम्मी ने कहा तो अभी थोड़ी देर से देते पापा आ जाए, क्योंकि पापा और भैया भी नमाज़ पढ़ने गए हैं और हमने तो पढ़ ली है नमाज़। तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, उतार लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैं शाम को पहनूँगी वरना फिर ये गंदे हो जाएंगे। बाय बाय, मिलती मैं आपको, तो पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। गाइस ये है मेरी आउटफिट, ये है मतलब इस साल ना, मतलब अभी गर्मी में मैंने इतने कपड़े खरीदे कि क्या बताऊँ, हद ही ज़्यादा कपड़े खरीद लिए मैंने इस बार ऑनलाइन तो अलग, और मैं लोकल मार्केट से भी बहुत सारे लेके आई हूँ। तो उसमें से एक ये टी शर्ट है जो कि बहुत ही प्यारी है, और नीचे मैं पहनी हूँ बेल बॉटम, जो कि आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो नीचे से बेल बॉटम है, ऐसे ऊपर से नहीं है, ऐसे ऊपर से टाइट आके नीचे बेल बॉटम है, ऐसा है। हमारी टू डू लिस्ट में आज एक और काम है, हमें ना बेडशीट बिछानी है न्यू इस वाले बेड पे भी, और मेरे बेड पे भी, और भैया के बेड पे भी, तो भैया के बेड पे भी मैं ही बिछा देती हूँ क्योंकि ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, सभी मेरे को सारे बेड पे बेडशीट बिछानी है न्यू वाली। सही है, लेट्स गो, पहले मम्मी से मिल लेते हैं।
गाइस ये मेरी मम्मी आना को बोलते मम्मी से मिलाती हूँ तो आज ईद है मम्मी सबको ईद हैप्पी हैप्पी ईद बोलो हैप्पी ईद मुबारक आप सबको। सो अभी मम्मी ने शीर खुरमा बनाया था वो बन गया है सुबह बना लिया था मेरे उठने से पहले ही क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी 7:30 पे तो मम्मी कुछ बना रही है मुझे नहीं पता क्या बन रहा है लेकिन हाँ शीर खुरमा बन चुका है। अभी मैंने बेडशीट बिछा दूंगी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। हमारी पहली ईदी नहीं दूसरी ईदी नाना जी ने भी दी थी ना पर कल मुझे नाना जी ने भी ईदी दी थी फिर मेरी दूसरी ईदी हो गई। थाउजेंड भैया ईदी नहीं मिली आपने आप लोगों ने अभी देखा मैंने सारे कमरों की बेडशीट बिछा दी अपनी भी बिछा दी अपनी मम्मी की कमरे की बिछा दी। एक चीज रह गई है जो कि है किचन का। हमने कारपेट मंगाया था ऑनलाइन मतलब कारपेट नहीं छोटा सा मतलब डोरमेट टाइप का बहुत ही प्यारा टाइप। अभी मैं बहुत थक गई हूँ एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया बट मैं उसकी क्लिप लगाना भूल गई। मैंने खाया था पराठा और सब्जी फिर अब मैं दोपहर में खाना खाऊंगी डायरेक्ट। अभी बीच में मुझे पता नहीं है क्या करना है। आई थिंक मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ या फिर मैं अभी सिर्फ रील्स स्क्रॉल करूँगी या फिर यूट्यूब वीडियोस देखूँगी या फिर मैं अपनी वाली वीडियो एडिट करूँगी या फिर मैं अपने बाल स्ट्रेट करूँगी। समझ में नहीं आ रहा करूँ कि नहीं करूँ पहले से ही स्ट्रेट है लेकिन हाँ थोड़े से नीचे से है ना एंड से मुड़ रहे हैं ना वो स्ट्रेट कराने हैं बाकी सब आई एम रेडी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि आज मतलब ये मेरी पहली ईद मैं आप लोगों के साथ मना रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाली ईद में मैं नहीं मना पाई थी एज यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। एंड उससे पिछले से पिछले साल की ईद में जो थी वो मेरा यूट्यूब चैनल ही नहीं था उस टाइम तो। एंड ये मेरी पहली ईद है आप लोगों के साथ सो हैप्पी ईद ईद मुबारक गाइज। मेरे कल नाना जी भी ग्वालियर आए थे कुछ काम था उन्हें तो मेरे भैया भाभी के साथ आए थे वो ग्वालियर फिर वो मेरे को ईदी दी उन्होंने फिर वो चले गए वापस। और जो मेरे भैया भाभी हैं उन्होंने मुझे बेस्ट ईदी दी है लाइक लिटरली बेस्ट ईदी दी है मुझे मतलब उन्होंने मतलब पैसे नहीं दिए बट उन्होंने मेरे को ना मेरी चॉइस से मेरे को गिफ्ट दिलवाया लेकिन वो उनकी भी चॉइस थी आधी आधी मेरी भी थी बट सबसे अच्छी ईदी जो दी है मेरे भैया भाभी ने दिया शाउट आउट टू भैया भाभी। या अभी मैं बाली स्ट्रेट करूंगी मम्मी मेरा बहुत सारी रील्स भी बनाई लेकिन मैं उन्हें अभी अपलोड नहीं करूंगी जब पूरा व्लॉग खत्म हो जाएगा तब अपलोड करूंगी वरना फिर आप लोग मेरी आउटफिट देख लोगे फिर वीडियो में क्या मजा आएगा देखने में यार लॉजिक ना मिस्टर नहीं लॉजिक बहुत है आप लोग नहीं सोच सकते हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल फालतू की बकवास करे बिना आगे चलते हैं। सो गाइस हियर्स मी एडिटिंग लुबना बेग एडिटिंग मिस ट्रेंडी। सो मैं ये बोल रही थी मैं आप लोगों ने देखा मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे फिर उसके बाद लाइक मैं रेडी हुई मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा क्योंकि हम लोग लाइक स्ट्रेट करने के बाद मैं सो गए थे हमारी पूरी मतलब पूरे हम लोग सबको ही सो गए थे फिर हम लोग उठे 4:00 पे फिर मैं रेडी वगैरह हुई क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे सो गए थे इसलिए तो मेरे को शूटिंग का भी टाइम नहीं मिल पाया तो वरना मैं पहले से शूट करती। तो सीधे हम लोग गए अपने बड़े पापा के घर फिर वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी फिर बहुत सारी मस्ती भी करी खाया पिया एंड ये था मेरा ईद का व्लॉग। एंड या मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोबेबली रिक्रिएटिंग माई सब्सक्राइबर्स की पिक्स या फिर रिएक्टिंग टू माई सब्सक्राइबर्स रियल हॉरर स्टोरी इन दोनों में से कोई एक आ सकती है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो जब तक आप मेरी ईद की पिक्स देख लीजिए बाय बाय। तो ये है मेरी मम्मी फिर ये है मेरी बड़ी मम्मी फिर ये है मेरी बुआ जी फिर ये है मेरी दादी फिर ये है मेरा भाई फिर ये है मेरे बड़े पापा के बेटे फिर ये है मेरे पापा फिर ये मेरे बड़े पापा फिर ये मेरे फूफा जी एंड ये उनके बेटे।
सो गाइज दैट वॉज माई होल फैमिली एंड मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।